तो दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो एंड अगर आपको भी कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है कि किस कंटेंट पे काम करके यूट्यूब पे ग्रो करें, एक यूट्यूबर बने, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा धासु चैनल आइडिया बताने वाला हूँ, एक ऐसा ज़बरदस्त कॉन्टेंट बताने वाला हूँ जिस पर अगर आप भी वर्क करते हो, लगभग 10 से 15 दिन वर्क करते हो, ध्यान लगा कर बढ़िया वीडियो बनाते हो, तो आप लोगों का चैनल भी 100% ग्रो हो जाएगा। एंड ग्रो हो जाएगा तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, एंड जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड कंप्लीट देखने के साथ आप लोगों को इस चैनल आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देना है, तो आप लोग भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे बहुत ही कम समय में, एंड आप लोग एक बढ़िया मतलब चैनल खड़ा कर लोगे यूट्यूब के ऊपर। तो क्या चैनल आइडिया होने वाला है, किस प्रकार का वीडियो बनाना है, किस प्रकार का कॉन्टेंट होने वाला है, कहां से वीडियो लेना है एंड उसे कैसे एडिटिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है, सब कुछ डाउट आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यहां एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यहां पे देख सकते हो। इसी स्क्रीन में मैं आप लोगों को सब कुछ करके बताने वाला हूं। लाइव प्रूफ, सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ बता देता हूं कि किस प्रकार का कंटेंट है एंड व्यूज आते हैं कि नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो मैं यहां पे चलता हूं यूट्यूब में एंड एक चैनल को मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, एंड आप लोग देख सकते हो यहां पे ये चैनल ओपन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो 2.3 के वीडियो में 3.43 करोड़ सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। आप लोग देख सकते हो 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर, मतलब कि ये भी कुछ बड़ा अंक होता है, 3.43 करोड़ सब्सक्राइबर। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो इसका चैनल तो मोनेटाइज होगा ही, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन टिक भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे का मतलब चैनल मोनेटाइज हो जाता है एंड उसको टिक नहीं मिलता है, तो पता नहीं कर पाते हैं। इसका टिक भी मिला हुआ है, मतलब आप लोगों को भी टिक मिलेगा अगर आप इस प्रकार के चैनल पर काम करते हो तो। एंड वीडियो की व्यूज की बात कर लें तो मैं चलता हूँ वीडियो वाले ऑप्शन में, एंड लेटेस्ट आप लोग देख सकते हो 5 घंटा में 6,000 व्यूज, 1 दिन में 33,000 व्यूज, 2 दिन में 1 लाख व्यूज, एंड यहाँ पे 3 दिन में 1.3 लाख, 4 दिन में 25,000, मतलब कितना ज़्यादा व्यूज आ रहा है, सभी का सभी वीडियो लाखों में जाता है। एंड नीचे थोड़ा सा गए हैं, ज़्यादा नीचे नहीं गए हैं, थोड़ा सा नीचे गए हैं, तो 4 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख, मतलब लाखों में व्यूज जाता है। लाखों 1-2 लाख की बात छोड़ो, 5-6 लाख रेगुलर व्यूज जाता है। एंड पॉपुलर की बात आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग बस देखते जाओ, यहाँ पे 56 करोड़ व्यूज गया, 56 करोड़ व्यूज गया है पॉपुलर में, एंड 29 करोड़ व्यूज, 23 करोड़ व्यूज, 23 करोड़ व्यूज, मतलब करोड़ में व्यूज गया, एंड करोड़ छोड़ो, 20 करोड़ प्लस, 50 करोड़ प्लस, 56 करोड़ व्यूज, मतलब कितना ज़्यादा व्यूज होता है। एंड आप लोग देख सकते हो ये किस प्रकार का पांडा वाला वीडियो है, मतलब पांडा जैसा वीडियो होता है, पांडा आप लोग देखे होंगे, आप लोग इसको देख सकते हो, यही है पांडा। तो इस प्रकार का वीडियो एक गेम से कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है, उस पर मतलब कुछ एडिटिंग किया हुआ रहता है, जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, उसी प्रकार के वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं एंड इतना व्यूज आते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका लोगो भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पांडा वाला लगा है, इसका बैनर भी पांडा वाला लगा है, मतलब ये जो पूरा का पूरा चैनल है ये पांडा वाला है, तो पांडा वाला वीडियो को कॉपी पेस्ट करता है, तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है। एंड मैं आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो मतलब बता दिया हूँ कि किस प्रकार के व्यूज आता है, एंड इस प्रकार से आप लोगों का भी व्यूज आने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस प्रकार का कंटेंट लेना कहाँ से है। आप लोग जाओ तो यूट्यूब पे सर्च करके इस चैनल को देख सकते हो, मतलब कि कितना यहाँ पे मतलब सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। ये कोई एडिटेड सब्सक्राइबर नहीं है, ये जेन्युइन तरीका से गेन किया हुआ सब्सक्राइबर है, ओरिजिनल सब्सक्राइबर है। आप लोग चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। एंड मैं अब आप लोगों को बताता हूँ इस प्रकार का कंटेंट को लेना कहाँ से है। तो इस प्रकार को कंटेंट लेने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक चैनल मतलब एक एप्लीकेशन का नाम सर्च कर दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने सर्च कर देना बेबी बस या फिर पांडा वीडियो, मतलब कि पांडा गेम सर्च कर सकते हो, तो सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो ये पांडा वाला, ये पांडा वाला, ये पांडा वाला, ये पांडा वाला, सभी के सभी जो गेम है, सभी का सभी गेम है जो पांडा वाला है, तो सभी में यहाँ पे टाइटल में पांडा लिखा है, जैसे
जैसे मैं पहला वाला पढ़ के बता देता हूँ, तो बेबी पांडा स्कूल बस, बेबी पांडा लिटिल पांडा, बेबी पांडा, बेबी पांडा लिटिल पांडा, मतलब इस प्रकार से ये चार पांच गेम आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोग कोई सा भी एक डाउनलोड कर सकते हो, मान के चलिए पहला वाला गेम डाउनलोड कर लिए एंड उससे कॉन्टेंट बना लिए, मतलब 10-15 वीडियो बना लिए एंड उससे बनाने में मन नहीं लग रहा, तो आप लोग दूसरा कॉन्टेंट यहाँ पर मतलब डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा गेम डाउनलोड कर सकते हो एंड उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ये वाला मतलब कि इंस्टॉल किया हूँ, तो आप लोगों को भी ये वाला इंस्टॉल करके एंड इसे ओपन करना है। ओपन करने से पहले आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लेना है, मतलब कि आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर होता ही होगा, तो आप लोगों को उसे ओपन कर लेना है। अगर नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन एक ठो एंड उसे लगाने के बाद यहाँ पे प्ले वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर करना है क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये गेम ओपन हो रहा है एंड जस्ट मैं अभी सब कुछ करके बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डाटा लेगा, 100-200 MB लेगा, तो आप लोगों को दे देना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को अनलिमिटेड कंटेंट मिल जाता है, देख सकते हो कितना ज़्यादा वीडियो है, तो आप लोग यहाँ से मतलब जितना मन चाहे उतना वीडियो बना सकते हो। तो आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है, जैसा कि मेरा यहाँ पे ऑन है पहले से, एंड कोई भी एक गेम मतलब कि यहाँ पे गेम को खेलना है, प्ले करना है, तो मैं प्ले करता हूँ, किसी को भी एक को प्ले करना हूँ। तो आप लोग देख, तो ये इधर से आया दो बंदा एंड इधर से आप लोगों को मतलब कि दो चार बंदे हैं, उसे पकड़ कर इधर करना है, इधर करना है। आप लोगों को इसी प्रकार से बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे पकड़ कर उठा मतलब उठा उठा कर रखना है एंड इसी प्रकार से ये हो गया। तो इसी प्रकार से मतलब कि आप लोगों को कुछ ऐड आ सकता है, तो यहाँ पे डाटा बंद कर दीजिएगा एंड यहाँ पे फिर से आ गया। तो इस बंदे को मैं उठा कर रख देता हूँ इसको यहाँ पे एंड उसके बाद ये रोबोट को उठा कर रख देता हूँ, ये पांडा को उठा कर रख देता हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार से आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहना एंड आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि इस प्रकार से करते रहना। तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, इस प्रकार से आप लोग चाहो तो जितना लंबा वीडियो बना सकते हो। आप लोग इस वीडियो को लेंथ देखे होंगे तो 1-2 घंटा का वीडियो रहता है, तो आप लोग जितना लंबा बना सकते हो, जितना लंबा वीडियो बनाओगे उतना ज़्यादा वायरल होगा एंड उतना ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा आप लोगों का मतलब कि वीडियो देखा जाएगा। तो जितना ज़्यादा वीडियो देखा जाता है उतना ज़्यादा अर्निंग होती है, तो आप लोग उतना लंबा बनाइएगा। एंड अब आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब कि आपने कंटेंट को फाइंड कर लिया है, अब आप लोगों को एडिटिंग करना है। तो मैं डायरेक्टली कान मास्टर में चलता हूं एंड आप लोगों को एडिटिंग वहीं बताता हूं, क्योंकि अगर मोबाइल को रोटेट करूंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कान मास्टर में चलता हूं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे कान मास्टर में एंड जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूँ उस गेम का, उस गेम को मैं इसे यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा गेम का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो मैं इसे यहाँ पे मतलब इंटर कर लिया हूँ एंड इसी को एडिटिंग करके मैं आप लोगों को जस्ट स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप लोगों को सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो कुछ डाउट होगा सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो बस लास्ट तक देखते रहना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो का स्टार्ट वाले पोजीशन पे आ जाना है, जहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। तो यहाँ से देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने वाला हूँ, यहाँ से मोबाइल रोटेट होता है एंड यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। आप लोग देख सकते हो जहाँ से गेम स्टार्ट होता है वहाँ पे ला लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ लाने के बाद आप लोगों को इस कैची वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर कर देना है क्लिक। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रिम लेफ्ट कर देना है, तो लेफ्ट का जो पहले का पार्ट फालतू का रिकॉर्ड हो गया है वो डिलीट हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से आप लोगों को लास्ट में आ जाना है, लास्ट में आने के बाद जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद किया है वो आ जाता है एंड गेम ओवर हो गया है वो आ जाता है। उसको कट करने के लिए आप लोगों को जितना तक आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड होगा अच्छा पार्ट होगा वहां पे लाकर एंड ट्रिम राइट कर देना है। तो राइट करने से राइट वाला पार्ट मतलब खत्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये जो आप लोगों को मतलब रेशियो में छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको कैसे सही करना है। तो आप लोगों को पैन एंड जूम वाला ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे बराबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एंड दोनों फिंगर से पकड़ कर बड़ा कर लेना है। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप लोगों को इसी प्रकार से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोगों का गेम पूरा रेशियो में मतलब फिट हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉपीराइट से कैसे बचना है एंड मतलब वीडियो के मामले में एंड ऑडियो के मामले में। तो ऑडियो के मामले में कॉपीराइट से बचने के लिए सबसे पहले मिक्सचर में आकर के साउंड को तो कम कर देना। तो साउंड को कम करने पे मतलब अब आप लोग पूछ रहे हो कि साउंड के जगह पे रहेगा क्या, तो आपने साउंड को कम कर दिया है तो साउंड के जगह पे रहेगा यहाँ पे नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक। तो उसे लेना कहाँ से है, आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को माई फाइल्स ओपन हो जाएगा, माई फाइल्स का फोल्डर जो होता है वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ
कहाँ से ले लेना है। अब आप लोग पूछ रहे हो कि माय फाइल्स के फोल्डर में कहाँ से आएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग सिंपली उस वीडियो को कंप्लीट बात कर लीजिएगा एंड वहाँ से मतलब देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। लेने के बाद यहाँ पर लगा लीजिएगा, लगाने के बाद अब आप लोगों का आइडियो का मामला ख़त्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया तो आप लोगों को आइडियो का मामला ख़त्म हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो वीडियो चलता है, ये गेम चलता है, इससे कॉपीराइट से कैसे बचना है। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें जाकर कोई भी एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये वाला ओपेसिटी दिखाई दे रहा है, तो इसको लगभग बीच में ला कर यहाँ पे 50 तक रख लेना है, ज़्यादा नहीं करना है ना ही कम करना है, ताकि मतलब कि यहाँ बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लेना है बीच में ला कर। बीच में लाने के बाद आप लोगों को फिर से एडजस्टमेंट में आ करके यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो, सेचुरेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, एंड वाइब्रेंस है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर है। इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोगों को सभी के सभी ऑप्शन में थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस करके छेड़छाड़ करके मतलब इस प्रकार से अपने वीडियो को बना लेना है कि जो पहले वाला वीडियो था उससे अलग हो जाना चाहिए, उससे मैच नहीं होना चाहिए, तो अलग हो जाएगा तो कॉपीराइट का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब आप लोगों का वीडियो बनकर तैयार हो गया, ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ना ही आवाज़ के मामले में आएगा, ना ही इस वीडियो के मामले में आएगा। तो अब आप लोगों का वीडियो बनकर हो गया तैयार, तो अब आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर में शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ एक बढ़िया रेजुलेशन सिलेक्ट कर लेना है, एंड इस एरो को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ये एरो क्यों दिया रहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप इस एरो को कम कर देते हो तो आप लोगों को जो डाटा बनेगा, जो आप लोगों का वीडियो का साइज बनेगा, वो कम MB का बनेगा, एंड इसे अगर बढ़ा लेते हो तो आप लोगों का जो डाटा बनेगा, वीडियो का साइज बनेगा, वो ज़्यादा MB का बनेगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का आप लोगों के पास डाटा है, आप लोग उसे यहाँ पे कम या ज़्यादा करके, एंड यहाँ पे आप लोगों को सेव एज वीडियो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोगों का वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा, एंड अब इसी वीडियो को एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाकर एंड उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि कैसे आप लोग भी YouTube के ऊपर बेबी पांडा कार्टून वीडियो बना सकते हो एंड उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक गेम से लेकर कुछ एडिटिंग करके, कुछ क्रिएटिविटी दिखा के, ना ही आप लोगों को फेस दिखाना, ना ही आप लोगों को वॉइस ओवर करना, बस आप लोगों को कुछ एडिटिंग करके यहाँ पे आप लोगों को कुछ समय देकर एंड इसे YouTube के ऊपर अपलोड करके मोनेटाइज करके चैनल को अर्निंग कर सकते हो। अगर आप किसी मतलब कंपनी में काम करते हो या फिर पढ़ते हो या फिर कुछ भी काम करते हो, जस्ट आप लोगों को आधा या एक घंटा समय लेना है एंड इसमें आप लोगों का वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा, एंड अब आप लोग इसे YouTube के ऊपर अपलोड करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैसे इस प्रकार के कंटेंट पे काम किया जाता है, YouTube के ऊपर कॉपी पेस्ट किया जाता है, तो आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हो। आप लोगों को एक न्यू चैनल बनाना है, क्योंकि पुराना चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको छोड़ दो एंड न्यू चैनल बनाकर न्यू तरीके से इस प्रकार से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। एंड कोई भी डाउट मतलब कि क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर करने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय टेक, जय टेक्निकल।